पंजाब में नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष बनकर सिद्धू ने मोर्चा तो कैप्टन के खिलाफ खोल दिया है, लेकिन अब उनको पार्टी के अधिकतर नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल सिद्धू ने पंजाब के शहरी क्षेत्र के विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में कुछ ही विधायक पहुंचे। बताया जा रहा है कि सिद्धू की बैठक में 3 मंत्री समेत दर्जन भर विधायक ही पहुंचे थे। हालांकि इस बैठक में कैप्टन पर जमकर निशाना साधा गया है। बैठक में मौजूद विधायकों और मंत्रियों ने पंजाब में सुरक्षा कानून व्यवस्था व बिजली के मुद्दे पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि सीमा पर RDX व हथियार मिलने और राज्य में बढ़ रही गैंगवार से शहरी लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है, पार्टी को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बैठक में घरेलू बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट करने की मांग भी उठी, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने दोहराया कि आगामी विधानसभा सत्र में ये मुद्दा उठाया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर पंजाब सरकार प्राइवेट थर्मल प्लांटों के साथ हुए समझौते को रद्द करने के लिए प्रस्ताव नहीं लाती है तो सिद्धू विधानसभा में निजी प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। हालांकि बैठक में कम विधायकों का पहुंचना सिद्धू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सिद्धू अभी तक 65 विधायकों के साथ होने का दावा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार की बैठक में दर्जन भर विधायक भी सिद्धू के साथ नजर नहीं आए। मतलब साफ है कि पंजाब में कांग्रेस विधायकों का झुकाव कैप्टन की तरफ बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 16 अगस्त को विधायकों की एक बैठक बुलाई है। ऐसे में देखना होगा कि कैप्टन की बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं और क्या पंजाब में फिर से कैप्टन की वापसी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सिद्धू अलग थलग दिख रहे हैं और कैप्टन जबरदस्त फील्डिंग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।